जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र के परसुडी शिव मंदिर रोड दत्तोपाड़ा में राजेंद्र शाह के प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। रिहायशी इलाका होने की वजह से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। सूचना मिलते ही परसुडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं लगभग 2 घंटे के बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि रिहायशी इलाका होने के बावजूद यहां प्लास्टिक की फैक्ट्री धड़ल्ले से संचालित हो रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्लास्टिक फैक्ट्री को लेकर आसपास के लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पत्रकारों के द्वारा जब फैक्ट्री के मालिक से सवाल पूछा गया तो आप खुद देखिए कि किस तरह फैक्ट्री मालिक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सूचना मिलते ही धालबूम अनुमंडल के नव पदस्थापित SDM पीयूष सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है कि आखिर रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही थी। जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस आगजनी में किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस दौरान करंडी ब्लॉक सह अंचल CO अमित श्रीवास्तव, परसोडी थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा, पूर्व भाजपा नेता राजकुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य पंकज सिन्हा, सामाजिक सेवी मानिक मलिक मौजूद रहे। सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक फायर का इंसिडेंट हुआ है। सूचना को प्राप्त होने के बाद यहाँ पर थाना से भी पुलिस बुलाई थी, फायर टेंडर्स भी आ गए थे पर्याप्त मात्रा में। उसके बाद प्रशासन से भी हम लोग आए थे। अभी उस आग पे काबू पा लिया गया है। अब इसके आगे जो भी जांच की कार्रवाई है वो की जाएगी। और सर ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसा कहा जा रहा है कि रिहायशी इलाका में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री होना कहीं ना कहीं जांच का विषय है। एकदम जांच होगी इसको। और केमिकल वगैरह के भी कुछ डब्बे वहाँ देखे जा रहे हैं जले हुए हालत में। अभी यहाँ पर पहली प्रायोरिटी थी कि किसी भी तरह से आग के ऊपर काबू पाया जाए, वो मोस्टली हो चुका है। अब नेक्स्ट है इसमें क्या था फैक्ट्री में, क्या नहीं था, वो सब जांच का विषय है। उसके अंदर क्या है नहीं है, किस चीज़ की फैक्ट्री है, कैसे आग लगी, वो सब जांच का विषय है। तो वो तो जांच के बाद ही सर इसमें जैसे कि प्राइवेट एरिया है, प्राइवेट एरिया में कमर्शियल चल रहा है, तो ये तो जाँच के विषय है। ये नहीं, ये जाँच के विषय है तो वही तो मतलब इस पर जो भी कार्रवाई होगी नियम संगत वो फिर की जाएगी। सर कंपनी मालिक से आपसे बात हुआ? सर नहीं, कंपनी मालिक से सच कोई बात नहीं हुई है कंप्लीट। वो क्योंकि अभी तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं तो कौन है कंपनी मालिक नहीं है ये सब यहाँ की जो वास्तु स्थिति को देखा जा रहा है कि यहाँ ना फायर ब्रिगेड आ सकता ना एक एम्बुलेंस आ सकता है। इस अवस्था में यहाँ का एक फैक्ट्री चल रहा है और ये इतनी बड़ी हादसा होना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा कर। आप जो बोल रहे हो कि इतने संग्रह रास्ते में कैसे पाया गया, बट आप ये भी देखो कि इसमें अगर कि उन्होंने आग बुझाया तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम लोग उनसे मतलब फायर ब्रिगेड वालों ने जाकर के इस आग पे काबू पाया तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। नहीं सर उसमें तो नेक्स्ट दूसरा सवाल है कि इस एरिया में कैसे ये फैक्ट्री है नहीं, ये सब जांच का विषय है। इसके ऊपर जांच होगी, उसका रिपोर्ट आएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। मैं विप्लव कर, आम आदमी पार्टी। तो ये जो रिहायशी इलाका में प्लास्टिक फैक्ट्री चल रहा है जिसमें आप फिर से ले जाइए। अपना परिचय बताइए। मैं विप्लव कर, आम आदमी पार्टी, जिला मीडिया प्रभारी। अच्छा, यहाँ जो रिहायशी इलाके में जहाँ दमकल आने का भी रास्ता नहीं है, प्लास्टिक फैक्ट्री कब से चल रहा है और कैसे चल रहा है? ये बहुत दिनों से चल रही है, लगभग 8-10 साल से ज़्यादा हो रही है जी। तो ये प्लास्टिक फैक्ट्री यहाँ चलना चाहिए था क्या? चलना तो नहीं चाहिए था, इसके पहले भी ऐसी दुर्घटना घट चुकी है। अच्छा, लेकिन यहाँ के आम पब्लिक भी इसके लिए आवाज़ उठाए थे। हाँ, लेकिन ये पूंजीपति लोगों के चक्कर में आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है। अच्छा, तो अभी आग कैसे लगी, क्या कारण था आग लगने? आग अभी किस कारण से लगी है हम लोगों को तो पता नहीं चल रहा है। मैं भी थोड़ा देर पहले आ चुका हूँ यहाँ पर, देखा आग लग चुका है, लेकिन इस रेजिडेंशियल एरिया में आग नहीं लगना चाहिए, आग फैक्ट्री नहीं बैठना चाहिए। इसके पहले भी ये आवाज़ उठाई गई थी लेकिन ये माना नहीं गया। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं इसके संदर्भ में ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का फैक्ट्री इंडस्ट्रियल बेल्ट में होना चाहिए, बस्ती के बीच में नहीं होना चाहिए।
इन सब बातों को देखते हुए जो इनको लाइसेंस दिया गया है जल्द से जल्द ये लाइसेंस निरस्त किया जाए ताकि ऐसी बड़ी दुर्घटना दोबारा ना हो। एक चीज़ और बोलिए, पॉल्यूशन बहुत होता है, इससे बहुत सारा हानि होता है यहाँ पर, इसे बहुत बोलिए। यहाँ मतलब क्या क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पर फैक्ट्री होने से? यहाँ फैक्ट्री होने से अगल बगल के बस्ती वासियों को बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि प्लास्टिक का फैक्ट्री, मतलब आप समझ रहे हैं वायु का एयर पोल्यूशन कितना बढ़ जाता है। तो बस्ती वाला लोग कभी कंप्लेन भी किए हैं क्या? बस्ती वाला लोग इसके पहले भी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन उनका आवाज़, बस्ती के गरीब आदमी लोग का आवाज़ दब जाता है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।